Hey guys, assalamu alaikum. Welcome to Samin Hashmi YouTube channel. So this is me Samin Hashmi. आप सोचोगे समीन हाशमी इतनी तंग क्यों लग रही हो यार, मेरे हाथ में ना ये बहुत बड़ा बैग है, लाइक मैं इसको ले आई हूँ और फंस गई हूँ। रात को एंड में फंक्शन है और बहुत ज़्यादा सांस चढ़ गई है मुझे, और क्या कहते हैं इसमें सारी मेरी मैक्सी है, डिफेंस है आज। आई होप डेट के आज के डिफेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो बस हम लोग जा रहे हैं डिफेंस की तैयारी के लिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन के बटन को। बस तैयारी करते हैं, उसके बाद एनुअल फंक्शन की हमारी तैयारियाँ स्टार्ट हो जाएंगी। लेट्स गो एंड स्टार्ट द व्लॉग। सो गाइस, हमारा हो गया डिफेंस एंड वी आर फ्री नाउ एंड वी आर वेरी हैप्पी। हमारा डिफेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। अब यार आप लोगों की बहन व्लॉग बनाएगी आराम से, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम था और मैं उस दौरान व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, लेकिन फाइनली डिफेंस हम लोगों ने दे दिया है और अब आज ही रात को हमारा एनुअल डिनर है, उसके लिए भी रेडी होना है हमने। और समझ नहीं आ रहा है यार कहाँ पर जाएँ, किसी हॉस्टल जाके रेडी हों। तभी तो आपकी बहन पेंट और मैं घूम रही है और नाश्ता भी नहीं किया, लेकिन आप आराम से चाय पी के यार आराम से खाना खाएंगे। एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि फाइनली हम लोगों का डिफेंस हो गया। डिफेंस एक बहुत बड़ी चीज़ होती है कि आप यार 100 मार्क्स का ये डिफेंस होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपल्सरी होता है, बहुत ज़्यादा क्या बताऊँगा बस आपको, मतलब आपका शुक्र है कि बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। तो अभी जो भी एक्टिविटीज होंगी आई विल शेयर विद यू। इफ यू आर न्यू और माई यूट्यूब चैनल से डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बस चलते हैं अब जल्दी से आगे और ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। गाइस फाइनली हम लोगों ने डिफेंस दे दिया और आप मेरा हाल पूरा देख रहे होंगे, लाइक मेरे हाथ में ना इतना बड़ा बैग है जिसमें मेरी मैक्सी है एनुअल डिनर की, क्योंकि रात को हमारा सुबह का टाइम डिफेंस है और अभी एनुअल डिनर है हमारा 5 से ऑनवर्ड। और मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हुए हैं, इसको इग्नोर करें। बॉम वगैरह कुछ नहीं कि बाहर राइड आ गई है और सारे बाहर वेट कर रहे हैं एंड आई एम वेरी लेट। तो बस आज मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा है और ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है एंड वी आर वेरी हैप्पी। बस मार्क्स अपलोड हो जाए है ना दुआ रबीरा, और मेरे दोस्त की शादी है। आप सब दुआ करें कि मेरे दोस्त हमेशा खुश रहे, आबाद रहे अपने घर में और बस खुशियाँ उसे कदम चूमती रहें, इसी तरह वो खुश रहे। हम भी अगर उस शादी में गए तो हम ब्लॉग बनाएंगे प्यारा सा। गाइस ये देखें इतना बड़ा बैग है यार। डिफेंस के बाद अब हम लोग निकला यहाँ बाहर, मेरी दो दोस्तें जा रही हैं। बस सामने पता नहीं किधर राइड है, मैं भी वगैरह सब लोग वेट कर रहे हैं, अच्छा सा तैयार होते हैं वहाँ जाके। सो गाइस इस टाइम मैं आई हूँ अपने दोस्त के हॉस्टल में जिसने हमें पनाह दी है, हम चारों पांचों दोस्तों को पनाह दी है उसने, अल्लाह पाक उसको खुश रखे। भाई इतना ज़्यादा सामान था, हम लोग थक गए डिफेंस, तो भाई सुबह 5 बजे से उठे, 2 दिनों से उठे रहे थे, रात को सोए नहीं, ना 3-4-5 से सारी मेरी दोस्त मेरे सामने इतनी उनकी शक्लें उतरी हुई हैं कि आप पहचान ही नहीं सकते। और जब वो मेकअप करेंगी तो आप तब भी उनको पहचान नहीं सकेंगे। चले अब हम यहाँ पर तैयार होते हैं और अपने रात का जो हमारा ड्रेस वगैरह है उसको हम प्रेस करते हैं, रेडी होते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। और हम मिलेंगे डायरेक्ट आपसे टोपास, वहाँ पर होटल है क्या आया है भाई, हॉल है ना, मार्की मॉल वगैरह कोई मुझे खुद नहीं पता यार कौन सी जगह है, बस वहाँ जाके पहुँच के मैं ये कंटिन्यू करती हूँ। सो गाइस हम लोग गाड़ी में बैठ गए और हम लोग जा रहे हैं टोपास मार्की में, वहाँ पहुँच के आपसे मिलते हैं। सो गाइस ये है टोपास मार्की जो कि यूसीपी के बिल्कुल पास है। यहाँ पर इन्होंने हमारा किया है एनुअल डिनर, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे स्टूडेंट्स बैठेंगे और लाइट आ गई है, लाइट पहले गई हुई थी, कितना प्यारा लग रहा है। खैर ये पल हमें बहुत ज़्यादा याद आएंगे और हम चलते हैं स्टेज पर। समीर समरीन हमें छोड़ के पहुंच गई है जी शूट करवाने, अब ये वापस आएंगी मैडम, ये आहा ये आ रही हैं जी वापस, और ये आ गई हैं, अब इनका मुंह ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए हम जरूर कुल्लो। सो गाइस फाइनली हम टोपास मार्केट में पहुंच गए हैं और इतना प्यारा से तैयार हो गया, लाइक सुबह से हमारा डिफेंस था, हम लोगों ने वही ड्रेसिंग नीचे मैंने वही शूज़ पहने हुए हैं, उसके ऊपर ही बस मैक्सी वगैरह एडजस्ट किया और मैं गिरने से बच गई हूँ, लेकिन हम लोग फिर भी बड़ा प्यारा से तैयार हो गए हैं बहुत कम टाइम पे और हम यहाँ पर पहुँच गए। बहुत ज़्यादा भूख लगी, बस खाना खुल जाए और ये पल हमें बहुत ज़्यादा याद आएंगे। ये हमारा एनुअल डिनर है FOST UCP जस्ट फ्रेंड, अभी जो सिर्फ UCP में नहीं हो लेकिन मुझे UCP बहुत ज़्यादा याद आएगी। उसके बाद आज हमारा डिफेंस तो हो गया है, लाइक हमारे बस पेपर्स रह गए हैं, वो हो गए फेबरी में,
क्योंकि वो थोड़ी सी डेट एक्सटेंड हो गई है ड्यू टू इलेक्शन वगैरह, तो पेपर्स के बाद फिर हमारा आना ही नहीं होगा यूनिवर्सिटी में. उसके बाद हमारी कॉन्वोकेशन है, फिर लाइक जब भी वो हमें इन्वाइट करेंगे हमने कॉन्वोकेशन ही अटेंड करनी है. और ये बहुत अच्छा वक्त था यूसीबी में जो मेरा गुजरा, और ये मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा याद आएगा. तो बस अभी सारे हमारे टीचर्स वगैरह आ रहे हैं, फ्रेंड्स वगैरह आ रहे हैं, तब तक हम शूट करते हैं. मैंने भी शूट करवा लिया, आप लोगों ने देखा होगा मैं भी उसने बनाया है क्लिप, वो भी रिकॉर्ड हो गया होगा. उसके बाद जो खाना है, जो भी उनका मेन्यू वगैरह है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और जो भी एक्टिविटीज़ होंगी आई विल शेयर विद यू. अगर आप लोगों ने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार मेरे लिए बहुत बुरी बात होगी. लाइक अपनी बहन इतनी मेहनत कर रही है, डिफेंस दे रही है, पढ़ाई कर रही है, इधर जा रही है उधर जा रही है, इतने पारे पारे कपड़े पहन रही है, लेकिन आप फिर भी चैनल सब्सक्राइब ना करो तो ये होगी बुरी बात. सो यहाँ पर इन्होंने ये सारा डिनर के लिए रेडी किया हुआ है टेबल, और इसमें अभी कुछ भी नहीं है. जैसे ही कुछ खाना शाना आएगा मैं आपको दिखाऊंगी, तो देर मैं आपको पूरा मार्केट दिखा देती हूँ. वो हमारे सर भी आ गए हैं वहाँ पे, पूरी मार्केट दिखा देती हूँ. वहाँ पर हम सबसे आगे बैठे हैं. अल्लाह खैर करे, आज केमिस्ट्री डिपार्टमेंट वाले भी आए हुए जनाब. इंसान को केमिस्ट बनने के लिए 4-10 साल लगता है, लेकिन उस केमिस्ट के लिए दोबारा इंसान बनना नामुमकिन हो जाता है. बिल्कुल बिल्कुल गाइस बिल्कुल. इसकी कथा हमें फाइनल ईयर वालों से ज्यादा कोई और नहीं दे सकता. जनाब जहाँ हम बात करें अपने जूनियर की, जो कभी क्लास में आएंगे तो लेट आएंगे, ये होते क्यों हैं? इसके ही नजार किसी शहर ने क्या खूब की है. यहाँ देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, यहाँ देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं. ओए तुम्हें तमीज नहीं है, सुना नहीं लेडीज फट उठे थो ना, आप बैठे ना यहाँ बैठे 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 चलो बैठे. कभी आप चाय लेनी या कॉफी? सर तू तो पी के ही आया होगा. नाम क्या तुम्हारा? सर गॉड गिफ्टेड बट है. मैं भी कहूँ गुलाबों की महक कहाँ से आ रही है. आपने ग्रेजुएशन कौन सी यूनिवर्सिटी से की है? सर खुली यूनिवर्सिटी से. बहुत लड़की है, ओपन यूनिवर्सिटी की बात कर रही है. तो जैसे मैंने बताया कि लेडीज फर्स्ट, तो हम इंटरव्यू गुलाबों से स्टार्ट करेंगे. गुलाबों बताओ साइकिल के कितने टायर होते हैं? सर साइकिल के एक दो तीन टायर. बहुत नोटी है, बच्चों वाली साइकिल की बात कर रही है. सर मेरे से भी आसान सवाल छंट लिया. ठीक है बताओ साइकिल के टायर में तारे कितनी होती है? सर देखा कल रटे मार के इधर बच्ची के कंसेप्ट क्लियर ने. चलो गुलाबों आपसे दूसरा सवाल. आप बताओ 1965 की जंग कब हुई थी? 1965 की जंग कब हुई थी? हाँ सर
पैंसठ में हुई थी, कंसेप्ट क्लियर ने बची थी। सारा मेरे से भी आसान सवाल पूछना है। ठीक है भाई साहब, दसो बताओ 1965 की जंग में गोलियां कितनी चली थी? सर ये क्या बात है, मैंने नहीं सर इंटरव्यू देना, मैं सर यहाँ से जा रहा हूँ। सर देर से ठंडी हो जाए, आप फैसला मेरिट पर होगा, आप टेंशन ना लें। ये चीज नोट कर लो, मैं ऐसे शॉर्ट टेम्पर्ड बंदे नहीं चाहिए। चले हिस्ट्री होगी, अब जाना बारी आ गई है ज्योग्राफी की। सर कौन सी जानती है, मैं किसी ज्योग्राफी आपकी जानती हूँ? बहुत नटी है, बहुत नटी है। चले आप बताएं भारत का दारुल हुकूमत क्या है, जरा दिल्ली से बताएं, दिल्ली से। दिल्ली सर, दिल्ली कॉन्सेप्ट क्लियर ना बच्ची ने। चलो भट साहब फिट है मुंह तोड़े ते कोई एक जवाब ही दे दो। क्या
गाइस हम लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, मेरे आंसू आ रहे हैं, ये पल हमें बहुत ज्यादा याद आएंगे सारी पिक्चर्स। गाइस सूप आ गया और हम सूप पीने लगे हैं, फाइनली कुछ ना कुछ मिल गया हमें। पास 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 मेरा ये सूप हम सारे पियेंगे। हमारी पूरी क्लास के लिए गिफ्ट मिले हैं हमारे बीआर को, बीआर की हैंड पूरी क्लास के गिफ्ट है। वो कुछ पोएट्री पेश करना चाह रहे हैं। ये हम सब पूरी क्लास के लिए हैं गिफ्ट बैग बेकरी की तरफ से, बेस्ट विशेस। खाना लगा है, चिकन है, बिरयानी है, प्लेटें हैं, नान है, कबाब है, मिठाइयाँ है और पता नहीं क्या क्या है, बहुत ज़्यादा कुछ खाना है, नान और पर मैं भी जो रबीरा की प्लेट तैयार है अपने कबाब के साथ ही खा रही है। यहाँ पर मेरी प्लेट ये है, फोकस नहीं हो रहा प्लेट पे यार, मेरे डाले लटके हैं। ये सुवा की प्लेट देखें गाइस, सुवा की वो देखें, ये बोतल, वो ग्लास, ये देखें और ये डब्बा। हमारा लास्ट डे और मेरे साथ है मेरी फेवरेट मैम फाल्गुना, मुझे ये दिन बहुत ज्यादा याद आएगा और मैम के साथ मेरा बहुत ज्यादा अच्छा टाइम गुजरा। यहाँ पे मुझे मैम फाल्गुना बहुत ज्यादा याद आएंगी, इन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से सारा कुछ गाइड किया है। टाइम मिस यू सो मच मैम, थैंक यू एवरीथिंग। कुछ बोलते रहे
आज का व्लॉग मेरा यहीं पर एंड होता है। हम लोगों ने एनुअल डिनर का फंक्शन अटेंड कर लिया, खाना शाना भी खा लिया, सारी टीचर से साथ पिक्चर्स ले ली और मेरी व्लॉगिंग भी कंटिन्यू रही शुरू सुबह से लेके अब तक। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, रात पूरी जागती रही, इतनी एफर्ट्स ही हम लोगों ने डिफेंस दिया और उसके बाद हम लोगों ने अपना एनुअल फंक्शन अटेंड किया। गाइस मेरी यूसीपी के साथ बहुत अच्छी मेमोरीज हैं, टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत अच्छा वक्त गुजरा है यूसीपी में और मैं इस वक्त को कभी भी नहीं भूलूंगी। मैं अपनी सारी टीचर्स का दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने हमें इतना प्यार दिया, इतना सब कुछ सिखाया, हमें हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट एनहांस हुई हमारी, हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ यूसीपी में। मुझे बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली यहाँ पे हॉस्टिंग की, हर सोसाइटी ज्वाइन करने की, अपना कॉन्फिडेंस एनहांस करने की। थैंक यू सो मच और मैं भूलूंगी नहीं इन सबको और ये वक्त मुझे बहुत ज़्यादा याद आएगा अगेन। मैं बहुत ज़्यादा आज इमोशनल हूँ, देखिए मुझे गोला भी नहीं जा रहा, इमोशनल हुई हूँ आज। और मैं ड्यूरिंग बैठे हुए भी मुझे ना आंसू आ रहे थे, फिर मेरे दोस्तों ने रोका कि कोई बात नहीं समीन हाशमी, क्या कहना फिर, फॉर एवरी स्टार्ट देयर इज़ एन एंड। और यहाँ पर मेरा जो था जर्नी स्टार्ट हुई थी 2021 से, अक्टूबर से मेरी क्लासेस स्टार्ट हुई थी गाइस और फरवरी में मेरे फाइनल हो गए, हमारा सब कुछ एंड हो रहा है और मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम रहा है। आई होप डैट कि आपको मेरा ये भी लोग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो समीन हाशमी को दीजिएगा इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।